नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण राय। बात कोरोना वैक्सीन की। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मानना है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को तैयार करने के लिए दुनिया भर में 170 से ज़्यादा जगहों पर कोशिशें जारी हैं। लिहाजा वैक्सीन के बाजार में लॉन्च होने को लेकर किसी निश्चित तारीख का दावा नहीं किया जा सकता है। इस बीच बीते शनिवार को भारतीय मीडिया में 73 दिनों के भीतर कोरोना वैक्सीन के बाजार में उपलब्ध होने की खबर बड़ी तेजी से सुर्खियों में आई, लेकिन भारत में इस वैक्सीन को मुहैया कराने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने इसका पर्दाफाश करते हुए इसे मिसलीडिंग बताया। रविवार यानी 23 अगस्त को जारी एक ट्वीट में सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से बताया गया है कि इस वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल किया जा रहा है और अभी केवल इसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए उत्पादन की मंजूरी मिली है। सीरम इंस्टीट्यूट ने यह भी कहा है कि जब वैक्सीन के ट्रायल पूरी तरह संपन्न हो जाएंगे, वैक्सीन को मानकों से मंजूरी मिलेगी, तभी उसकी उपलब्धता की जानकारी दी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।